हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री क्लास 7 का स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री का जो चैप्टर है थर्ड, वो है द दिल्ली सल्तनत। अब बेटा दिल्ली के अंदर में बहुत से राजाओं ने, बहुत से सुल्तानों ने राज किया। अब मुगल शासन अलग था और सल्तनत जो दिल्ली जो थी वो अलग थी। यहाँ पर सल्तनत का मतलब होता है राजधानी या कहीं डायनेस्टी पर राज करना। तो दिल्ली थी एक्चुअल में। अगर आप दिल्ली के बारे में बताएं जो हमारे आपके बुक में नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बुक में मेंशन नहीं है, वो क्या है कि दिल्ली की बेटा बहुत पुरानी हिस्ट्री है। दिल्ली को 1109 में तोमर के नरेश आनंदपाल ने बनाया था, ठीक है, जो तोमर डायनेस्टी से आते थे और उन्होंने दिल्ली का निर्माण किया था। और पुराणिक कथाओं के अनुसार या हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार दिल्ली का जो पुराना नाम था वो हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ था, ठीक है, ऐसे था, लेकिन वो बात अलग है। बट लेकिन हाँ, दिल्ली को दिल्ली बनाने वाले आनंदपाल थे, जो कि तोमर डायनेस्टीज को हम बोलते रहते तोमारा, दैट इज नॉट तोमारा, दैट इज कॉल्ड तोमर डायनेस्टी। वो तोमर डायनेस्टी से आते थे और 1109 बीसी में उनका एडी में दिल्ली को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में दिल्ली के अंदर में कई जो अलग से फॉरेनर आते गए और इसके ऊपर में राज किया, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा हमारा? दिल्ली सल्तनत हमारा स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। द रूलर ऑफ गोरिड एम्पायर प्रेजेंट डे द सेंट्रल अफगानिस्तान मोहम्मद ऑफ गोर डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192। आफ्टर द एडवांसिंग इन टू द इंडिया ही हैड टू लीव टू द प्रोजेक्ट ऑफ वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर। जो मोहम्मद गोरिड था, गोरिड एम्पायर था बेटा, जो कि अफगानिस्तान से आए थे, उनका बैटल हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ में और 1192 में उनको हराने के बाद में आफ्टर एडवांटेजिंग इनटू इंडिया ही हैड टू लीव द प्रोटेस्ट द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर। मोहम्मद गोरी वाज अपॉइंटेड, जो मोहम्मद गोरी राजा थे, उसको सुल्तान थे जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक, ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक एज द रीजनल जनरल ऑफ नॉर्थन इंडिया आफ्टर द मोहम्मद डाइड। जब मोहम्मद डाइड हो गया था, ऐबक प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज ए सुल्तान। सुल्तान बोलते हैं राजा को, उसने दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान इन 1206 द डायनेस्टी सेट अप ऐबक वाज फॉलोड बाय देयर डायनेस्टीज तुर्को अफगानिस्तान डिसेंट टिल 1526। दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द सल्तनत पीरियड। सल्तनत जो पीरियड था बेटा हमारा, जो 1206 से स्टार्ट होकर के 1226 तक चला था। उसके बाद में हुमायूं आ गया था, फिर बाबर, उसके बाद में बीच में शहशाह सूरी आ गया था, फिर उसके बाद में अकबर आया था। तो बेटा वो अलग टाइप हो जाएगा, मुगल काल अलग होता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम दिल्ली के ऊपर पढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर में कौन कौन लोग आए थे जो दिल्ली के ऊपर में राज करके गए, उनको सुल्तान बने, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1526 के अंदर में दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड को जाना जाता है। द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब होता है दास, नौकर। स्लेव का मतलब होता है दास, नौकर। द स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1206 से लेकर 1290 CE कॉमन ईरा तक रही। कुतुबुद्दीन ऐबक रिजाइड 1206 टू 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ तुर्की स्लेव। अब बेटा स्लेव डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? स्लेव डायनेस्टी का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई राजा था, उस राजा के साथ में वो राजा बहुत पावरफुल था,
ठीक है, वो राजा क्या था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके साथ में उसका एक नौकर हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने राजा गोरी को, मोहम्मद गोरी को, ये देखो अपने जो राजा थे मोहम्मद गोरी, ठीक है, इन मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद डाइड, उसको मार दिया गया। और उसके मारने के बाद में उसने खुद को राजा बना लिया। जब उसने खुद को राजा बनाया तो उसको बोला गया स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है राजधानी, ठीक है, गुलामों, गुलाम वंश। कि ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये उसके साथ में आया था अफगानिस्तान से, लेकिन इसने क्या किया, चालाकी से अपने ही राजा को मार दिया और खुद राजा बन के बैठ गया। तो इसलिए बोला गया कि गुलाम राजा, मींस गुलाम वंश बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक पास तुर्किश स्लेव, वो एक तुर्की स्लेव था, हु हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गोरीज एक्सपेंशन प्लान्स इन इंडिया। उसने गोरी की सेना में शामिल रहता था, वो गोरी, मोहम्मद गोरी की सेना में, और उसका काम क्या था, गोरी के लिए एक स्पेशल प्लान बनाना और उसको साथ देना। ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, और कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, हिज सक्सेसर कॉल्ड द ममलुक्स। उसके सक्सेसर जो उसके आने वाले वंशज थे उसको बोला गया ममलुक्स, विच मीन्स स्लेव, जिसका मतलब होता था स्लेव और सन ऑफ द स्लेव, ऑफ ए स्लेव, कि नौकर का बेटा, फिर उसका बेटा बनता था फिर उसको बोलते थे स्लेव, फिर उसका उसका बेटा बनता था फिर उसको बोलते थे स्लेव। मीन्स उस जिसने भी स्लेव डायनेस्टी बनाई वो नौकर था गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका नौकर था, गोरी का, इसलिए स्लेव डायनेस्टी कहा गया। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार, उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्टेड ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर में कुतुब मीनार बनाया, एंड बिल्ट द सेवरल मॉस्क्यूज इन दिल्ली, और दिल्ली के अंदर में बहुत सारे से मस्जिदों को बनवाया, ठीक है, इन दिल्ली और आगरा। वेल द प्लेइंग द चौगान, चौगान हॉर्स बोलो, चौगान कहते हैं, चौगान बोलते हैं जो घोड़े पे बैठ करके जब हॉकी मारते हैं ना, जिसको बोलते हैं हॉर्स बोलो, वो खेल रहा था उस टाइम में, उस खेलते समय वो वहां से गिर गया और मर गया था। उसके बाद में कौन आया स्लेव डायनेस्टी का, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश राजा बना। अब इल्तुतमिश कौन था, ऐबक वाज सक्सेस बाय हिज मोस्ट फेवरेट स्लेव एंड सन इन लॉ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का नौकर, नौकर भी था इल्तुतमिश और उसका दामाद भी था, मींस सन इन लॉ भी था, मतलब कि उसकी बेटी के का हस्बैंड भी था, और वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ज्यादा ईमानदार और उस पर ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इल्तुतमिश को अपनी जगह दे दी, और इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का हस्बैंड भी था, सन इन लॉ भी था, ठीक है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। द खलीफा ऑफ बगदाद, वो एक तरह से खलीफा, खलीफा कौन होते हैं बेटा, खलीफा होते हैं धर्मगुरु, जो बगदाद का धर्मगुरु भी था। कंफर्ड अपॉन द टाइटल ऑफ सुल्तान, और उसने ही एक टाइटल निकाला जिसका नाम रखा गया सुल्तान। ही कैन बी कॉल्ड द टू आर्किटेक्ट्स द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, उसे भारत का एक सबसे अच्छा आर्किटेक्ट भी माना जाता है। इल्तुतमिश अंडर द फॉलोइंग द मेजर द स्ट्रेंथिंग हिज एम्पायर, उसने अपने एम्पायर को बढ़ाने की भी कोशिश की काम दिल्ली सल्तनत में। उसका टाइम कब से कब तक था, 1210 से लेकर 1236 के बाद में। इल्तुतमिश के बाद में कौन बना, रजिया, उसके बाद में रजिया आई, रजिया ने क्या काम किया, रजिया रिजाइन 1236 से लेकर के 1239 तक। इल्तुतमिश चोज हिज डॉटर रजिया, अब रजिया कौन थी, इल्तुतमिश की डॉटर थी, बेटी थी, रजिया हिज सक्सेसर। ही फेल्ट दैट नन ऑफ हिज सन वर कैपेबल रूलिंग, कि जो इल्तुतमिश था उसकी जो बेटे थे, उसने ऐसा सोचा इल्तुतमिश ने कि उसके जितने भी बेटे हैं वो कामयाब नहीं है राज्य को चलाने के लिए। तो उसने अपनी बेटी जो थी रजिया, उसकी बेटी का नाम था रजिया, उसने रजिया को राजा बना दिया, मीन्स रानी बना दिया। बेशक वो बहुत छोटे टाइम के लिए 36 से लेकर 39 तक रही, मतलब कि तीन साल तक के लिए वो रानी बनी रही, बट लेकिन शी वाज, रजिया वाज वेरी ब्रेव इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर, बट द नोबल कुड नॉट एक्सेप्ट हर सुल्तान। अभी नोबल्स कौन होते हैं, नोबल्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, उसको सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। जो मुस्लिम डायनेस्टी के अंदर में, जो मुस्लिम धर्म के अंदर में जो बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उसको सुल्तान मानने से मना कर दिया। बोथ द उलेमा और क्लेरिकी, उलेमा बोलते हैं धर्मगुरुओं को,
जो मुस्लिम धर्म के अंदर में जो धर्म गुरु होते थे, जो ये मानते थे कि एक लड़की हमारे ऊपर में राज नहीं कर सकती, या एक लड़की का काम होता है कि सिर्फ घर में चूल्हा चौकी करना, रोटी बनाना, कपड़ा धोना वगैरह वगैरह, वो हमारे ऊपर में राज कैसे कर सकती है। तो ये उलेमा थे, जो धर्म गुरु थे, वो कहते थे कि ये रजिया को ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, नोबिलिटी फाउंड ह्यूमिलिटी द वर्क एट हर कमांड, वो उसकी बात मानते ही नहीं थे। सो दे ही कॉम्प्रोमाइज टू द डीथ्रोन हर एंड फाइनली किल्ड हर इन 1240, और इसलिए उसको उससे चिढ़ते थे, इसलिए लास्ट में जाकर के उसको मार दिया गया, रजिया सुल्तान को, रजिया को 1240 CE कॉमन एरा के अंदर में। ओके, उसके बाद में आया बेटा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम रहा 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन एक्सपेंड एंड कंसोलिडेटेड द खिलजी डायनेस्टी, उसने खिलजी डायनेस्टी को बढ़ाया। ही वांटेड टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड एंड कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर और सिकंदर सानी, ही बेस्ट नोन फॉर, कि वो इतना ताकतवर बनना चाहता था, वो अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलना चाहता था, और उसने अपने आप को क्या कहा, सिकंदर सानी। मतलब सिकंदर सानी का मतलब होता है कि दुनिया पर राज करने वाला, दुनिया को जीत लेने वाला। ठीक है, जैसे सिकंदर महान थे, द ग्रेट थे, और वो किस लिए जाना जाता था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवगिरी, रूल्ड बाय द यादवास, वालग्रंथ, रूल्ड बाय द कथियास एंड देवशास्त्र एंड दवा रास्त्रा मुद्रा एंड रूल्ड बाय द होशियारास। उसने किन 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 राज्यों को जीत लिया था, गुजरात को जीता था, मालवा को जीता था, राजस्थान को जीता था, देवगिरी को जीता था, और देवगिरी से ही बेटा उसने बहुत सारा पैसा लूटा था, यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा भी उसने देवगिरी से ही लूटा था। ठीक है, टेकिंग द मंगोल्स मीन्स द स्ट्रेंथ द फोर्थ ऑफ द फ्रंटियर द जर्नल्स, टेकिंग द मंगोल्स, उसने मंगोल्स को हराया, एंड स्ट्रेंथिंग द फोर्थ एंड फ्रंटियर प्रोविंस अंडर द एबल जर्नल्स, उसने अपने सैनिकों में, सेनाओं में बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स को भर्ती किया, जो उसकी बात मानते थे और उसके लिए काम करते थे, और उसी के लिए काम करते थे। टेकिंग मेजर द प्रोवेंट द रिबल्स एंड दैट रिस्ट्रिक्शन इंटरमैक्सिंग ऑफ नोबल्स, नोबल्स टेकिंग मेजर्स द प्रिवेंट द रिबियल्स रिबिलियंस और रिस्ट्रिक्शन इंटर द मैक्सिम द नोबल्स, जो नोबल जो लोग थे जो उनके धर्म के आड़ में आते थे, वो उनसे ज्यादा दूर उठ कर चलता था, मतलब कि उनकी बात इतना मानता नहीं था। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड अपॉइंटमेंट द रेवेन्यू ऑफिसर्स, टैक्स इकट्ठा करने के लिए उसने, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने टैक्स इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट किया था, जो उसके लिए काम किया करते थे, उसके लिए टैक्स इकट्ठा किया करते थे और उसके ट्रेजर को बढ़ाया करते थे। उसके बाद में आए द तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन खिलजी डायनेस्टी खत्म होने के बाद में आई द तुगलक डायनेस्टी, जो रही 1320 से लेकर के 1412 तक, कॉमन इरा तक। तो पहले तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा था गयासुद्दीन तुगलक, रिजाइन 1322-1325, 5 साल तक रहा, निकनेम गाजी मलिक, इसका निकनेम जो था गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक came to power in 1320 common era after the killing the last Khilji ruler Khurasan Khan, जो खिलजी का, जो मोहम्मद खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जो सबसे जो ग्रेट ग्रैंड ग्रैंडसन था, उसको मारने के बाद में गयासुद्दीन ने अपनी पावर को कैप्चर किया था। ही बिल्ट द फेमस तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली, उसने दिल्ली के अंदर में तुगलकाबाद फोर्ट बनाया, किला बनाया। गयासुद्दीन डाइड अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस इन 1325 कॉमन इरा। जो गयासुद्दीन कैसे मरा था, वो एक मिस्टीरियस, मतलब कि अचानक गंभीर रूप से, जिसका पता ना लगाया जा सके, ऐसे चांस में 1325 में उसकी डेथ हो गई थी। फिर आया लोदी डायनेस्टी, उसके बाद में गयासुद्दीन के बाद में क्या आई बेटा, लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी कब से कब तक रही, 1451 से लेकर के 1526 तक लोदी डायनेस्टी रही, कॉमन इरा तक। इन 1451 CE बहलोल लोदी एंड अफगान
who was the governor of Punjab? पहले वो governor of Punjab था, occupied the throne of Delhi. पहले वो पंजाब का governor था, और फिर बाद में धीरे धीरे occupied कर लिया दिल्ली के governor, governor की दिल्ली को. He suppressed the rebellions and established the authority of Sindh and Mewar. उसने अपनी ताकत को सिंध और मेवाड़ में establish किया. Behlul Lodi was successed by the son of Sikandar Lodi. वो किसका बेटा था? सिकंदर लोदी का बेटा था और बहलोल लोदी. In 1489, Common Era, he considered a great ruler of the Lodi dynasty. और लोदी dynasty का सबसे ज्यादा powerful और समझदार राजा था बहलोल लोदी. He annexed the Jaunpur and Bihar and brought up the entire region of the Gangetic Plains control the Sikandar Lodi was the success by his son Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi Sikandar Lodi के बाद में उसका राजा बना 1517 में, 1517 में. Means Lodi dynasty played a very important role to in Delhi Sultanate. Delhi Sultanate के ऊपर में last का जो ruler था वो थी Lodi dynasty. Ibrahim Lodi faced the number of rebellions. Finally Alam Khan the Sultanate, the Sultan of Ankal and Daulat Khan Lodi. उसके जो लास्ट के जो थे वो कौन कौन थे? वो थे आलम खान थे और दौलत खान लोदी थे, जो लास्ट में लोदी खान डायनेस्टी को चलाते रहे और लास्ट में यही राजा थे लोदी डायनेस्टी के. उसके बाद में डाउनफॉल ऑफ सल्तनत. अब सल्तनत कैसे गिरती गई चली गई, सल्तनत की गिरने के कारण क्या थे? देखिए सल्तनत के गिरने के क्या कारण थे, फॉलोइंग आर सम फैक्टर्स दैट मे हैव द हेजिस्टेंट टू द एंड ऑफ द सल्तनत रूल. मैनी रूलर लाइक नसीरुद्दीन मोहम्मद एंड फिरोज तुगलक वर नॉट स्ट्रॉन्ग. कि जो दिल्ली के अंदर में जो सल्तनत थी, जो राजाओं का रहना सहना था, वो क्यों गिरा, वो उसके गिरने के कारण क्या थे? दे हैड कैप्चर एंड अपॉर्चुनिटीज. वो क्या थे? करप्ट थे. They had corrupt. वो बहुत खराब थे, लालची थे, उनको किसी तरह का कोई काम नहीं था. And opportunities, और वो मौका परस्त थे. मौका परस्त उसे बोलते हैं जो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता हो, अपने फायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान कर सकते थे. The nobles who manipulated them made the unpopular. और जो इसी वजह से जो लोग थे, जो रहने वाले लोग थे, उनको अनपॉपुलर घोषित कर दिया. This led to information the various group of Caliphs that among the nobles which is divided into the loyalty towards the Sultan. और सुल्तान की तरफ उनकी किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं रही थी. The iktidar system helped the decentralize the power of king. iktidar system क्या था बेटा? इस system की इक्ता सिस्टम होता है कि उसने पावर को बांट दिया था, छोटे छोटे प्रोविंस में पावर्स को डिवाइड कर दिया था. इस डिवाइड होने की वजह से वो लो जो डायनेस्टी थी वो कम होती चली गई थी. द किंग्स डिपेंडेड ऑन द नोबल्स इंक्रीज देयर प्रोविंस विद द आर्मी कॉन्टिजेंस. जो किंग था वो डिपेंड किस पे हो गया था? अपने आर्मी के लोगों पर. और आर्मी के लोगों ने उन्हें बाद में जाकर के क्या करना स्टार्ट कर दिया? धोखा देना स्टार्ट कर दिया था. On various occasion, अलग अलग occasions पर, weak empire became the target of attacks that launched the foreign invaders such as the Mongols. और इसी तरीके से जैसे king depends on nobles, जो the kings depends on the nobles increase the province him with the army contingents. कि जो किंग्स थे वो इतने आयास हो चुके थे, वो उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता था, सिर्फ वो अपने आर्मी के लोगों पर सारी बात छोड़ देते थे. और वो आर्मी क्या करती थी? वो करप्शन करके वो राजा का साथ देती ही नहीं थी. और इस तरह से वो वीक होते चले गए. और एट द एंड क्या हुआ? ऑन वेरियस ओकेजन, और बहुत से कारणों से, बहुत से तरीकों से, वीक एम्पायर जो कमजोर शासन काल थे बिकेम टारगेट, वो टारगेट बन गए, निशाना बने अटैक टू लॉन्च द फॉरेजन इन्वेडर द मंगोल्स. मंगोलों के निशाने पर आ गए. और एक मंगोल क्या थी? मंगोल एक बहुत ज्यादा लड़ाकू कौम होते थे, जो जहां पर भी जाते थे उस राजा को जीत लिया करते थे, उसको हरा दिया करते थे, मार दिया करते थे, और बाद में उसकी राजधानियों को छीन लिया करते थे. तो बेटा इस तरह से 1526 तक, 1526 तक, जो
दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था 1206 में, 1226 में स्टार्ट हुआ था और 1526 तक, 1206 से स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत और 1526 में खत्म हो गया था। इसका कारण क्या था? कमजोर शासन होना, ठीक है, इसकी वजह से वो खत्म होते चले गए थे। अब आता है हमारे मेजर लिटरेचर सोर्स इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। अब इस दिल्ली सल्तनत के पीरियड के टाइम में, सल्तनत तो टाइम तो खत्म हो चुका था, लेकिन उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स लिखे गए जिसके बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को पता चला। जब पता चला हमें बहुत कुछ समझ में आया कि कौन राजा कौन सल्तनत में कैसे होता था। जैसे तारीख फिरोजशाही बाय द जियाउद्दीन बरनी गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत। तारीख़ फिरोजशाही क्या है? एक नोवल है। तारीख़ फिरोजशाही एक नोवल है जो किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था, जो हमें देती है इंफॉर्मेशन दिल्ली सल्तनत के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द बलबन टू फिरोज शाह तुगलक, बलबन से लेकर के तुगलक तक। फिर उसके बाद में आता है मिताफ उल फतवा बाय द अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक राइटर थे जिसको बोला जाता था तूतिए हिंद, यानी हिंदुस्तान का तोता भी बोला जाता था, कि ये बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लिखी। एंड इनोचेट द मिलिट्री कंपेनिंग द जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में इन्होंने सेना के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके बारे में लिखा, ठीक है। अमीर खुसरो राइटर थे, जियाउद्दीन बरनी हिस्टोरियंस थे। फिर उसके बाद में आते तबुके नसीरी बायदा मिनाज ए सिराज डील्स विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड बिफोर द आफ्टर खिलजी पीरियड। मिनाज उस सिराज ने तबुक ए नसीरी की रचना की एक किताब है, तबुक ए नसीरी एक किताब है जिसने मिनाज उस सिराज ने की। आपको एक जान के बहुत अच्छी खुशी होगी, जो हम कई बार वर्ड बोलते हैं हिंदुस्तान शब्द जो लिखा था वो मिनाज ए सिराज ने हमें दिया था, मीनार, क्योंकि वो टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि हिंदुस्तान वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था और इसका इन्वेंट किसने किया था, तो ये इन्होंने किया था, मीनार और सिराज ने। ये एक कैरोनिकल एक हिस्टोरियंस थे विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री बिफोर द खिलजी पीरियड के अंदर में थे। फतवाए फिरोजशाही, नेक्स्ट था हमारा फतवाए फिरोजशाही। फतवा बोलते हैं आदेश को, कोई कमांड को, उर्दू वर्ड है फतवा बोलते हैं आदेश को, जिसको खत्म ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे फतवा बोला जाता है, ठीक है, जिसको खत्म, बहुत बड़ा ऑर्डर होता है। फतवा फिरोजशाही बाय द फिरोज तुगलक ने खुद अपना फतवा फिरोजशाही लिखा, इज एन ऑटोबायोग्राफी। ये उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी होती है जो हम स्वयं लिखे, और बायोग्राफी होती है जो हमारे बारे में कोई और लिखे। तो फिरोज शाह तुगलक ने फतवाए फिरोजशाही लिखी, अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी, विच वाज रिटन विद एंड सिंपैथी कोऑपरेशन विद द हिज को रिलीजियस। उसने सिंपैथी और रिलीजियस को लेकर के, धर्म को लेकर के अपनी सहानुभूति मीन्स प्यार दिखाया, और उसने कुछ आदेश दिए कि हमें धर्म के नाम पर ये काम करने चाहिए। तो फतवा का मतलब क्या होता है? किसका मतलब होता है? आदेश की, जिसको खत्म ना किया जा सके, भगवान की तरह, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आप हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर 3 है वो हमारा खत्म हो गया, क्लास 7th का दिल्ली सल्तनत। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको घर पे बैठ करके इस चैप्टर की फुल आपको रीडिंग करनी है, और आपको इसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको वर्कशीट मिलेगी, वो आप उसको कंप्लीट करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।